यदि कुदरती कहर से बचना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ। दारक है शक्ति अपार, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, पतितों का भी होता सुधार, सरकार तुम्हारे हाथों में। ये गुरुदेव, ये गुरुदेव नाम किसका, ये गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरुजी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, प्रचारक, संगठनों के जिम्मेदार, धर्म प्रेमी बच्चों बच्चियों, आज 1 जनवरी 2024 है, प्रातःकाल का यह बेला है और आपका अपने गुरु महाराज के आश्रम कि ये जगह उज्जैन है। आज नए वर्ष में आप लोगों का सत्संग के माध्यम से दर्शन जो मिल रहा है, इसमें गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है, कृपा मेहरबानी है। बगैर प्रभु की कृपा मेहरबानी से यह अवसर जीवन में मिल नहीं सकता है। संस्कार आप पे थे और वो संस्कार आपको यहाँ खींच करके ले आए। इतना कोहरा, ठंडी हवा और आप यहाँ आए हो, बैठे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये मामूली बात नहीं है। ठंडी में बहुत से लोग घर से नहीं निकल रहे, कोई आग के पास बैठा हुआ है, कोई हीटर के पास बैठा हुआ है और आप यहाँ ठंडे में गुरु महाराज की दया ले रहे हो, यह कोई मामूली बात नहीं है। जब प्रभु की कृपा दया होती है तभी ऐसा अवसर जीवन में मिलता है। प्रेमियों, 2023 कल ख़त्म हो गया, आज 24 लग गया। रात से ही 24 लगने के बाद से ही लोग जश्न मनाना शुरू कर दिए, नए वर्ष का स्वागत में लग गए। तो ये तो नया वर्ष अंग्रेजी के हिसाब से आया है, अंग्रेजी महीने के हिसाब से आज नया वर्ष लगा है। हिंदी हिंदू के हिसाब से नया वर्ष चैत में लगता है, चैत से शुरुआत होता है नए वर्ष का। चलो ठीक है, प्रतिवर्ष के बाद इस वर्ष भी यहाँ पर आप प्रेमियों ने सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया,
गुरु महाराज के समय में भी लोग नए वर्ष का संदेश सुनने के लिए गुरु महाराज के पास जाया करते थे, तो उसी परंपरा को हम भी बनाए रखे हुए हैं और आपको भी बनाए रखना है। तो सत्संग में तो ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जाया जाने की कोशिश किया जाए और सत्संग सुना जाए, समझा जाए, न समझ में आवे तो समझने की कोशिश किया जाए, जो लोग समझ चुके हों उनसे पूछा जाए, और जो लोग सत्संग समझ जाते हैं उनको आपको एक दूसरे को बताने की ज़रूरत है कि ये बातें बताई गई हैं। तो देखो प्रेमियों, जब आप गुरु का ध्यान करके और मतलब की बात आप लोगों को बताने लगोगे तो ये सारी बातें आपको याद आ जाएंगी। तो बराबर सत्संग की बातों को बताना चाहिए। देखो प्रेमियों, बच्चा जब पैदा होता है तब वो न हिंदू रहता है, न मुसलमान रहता है, न सिख और ईसाई रहता है, न वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रहता है। बच्चा जब पैदा होता है तब वो न प्रधानमंत्री रहता है, न राष्ट्रपति रहता है, न वो कोई मठ मठाधीश का महंत रहता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय पर कोई व्यापारी किसान नहीं रहता है। बच्चा जब पैदा होता है तो अज्ञान रहता है, जानकारी उसको इस दुनिया की नहीं रहती है। प्रभु की जानकारी जो उसको माँ के पेट में थी, यहाँ पैर रखते ही धरती पर भूमि भरा भा ढाबर पानी, जिम जी महिमा आलिप पानी, माया का असर आ जाता है, पर्दा पड़ जाता है, तो यहाँ के बारे में बिल्कुल अज्ञान रहता है। लेकिन उसके संस्कार जैसे बनते हैं उसी हिसाब से वो बच्चा बन जाता है। देखो कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं रहता है, वो एक तरह से शूद्र ही जैसा रहता है, जन्मते जाते शूद्र। कहते हैं जब जन्मता है तो शूद्र जैसा रहता है, संस्कार आया दुज उच्चते, जब उसका संस्कार होता है, यज्ञोपवेश संस्कार है, मुंडन संस्कार है, ये जब संस्कार जब किए जाते हैं, विवाह संस्कार जब किया जाता है, तब वो बहुत सी बातों की जानकारी कर पाता है। वेद पाठी वेद विप्रा, जब वेद का अध्ययन करने लगता है, वेद पढ़ने लगता है, तब उसके अंदर विप्र के गुण आ जाते हैं। विप्र के गुण किसको कहते हैं, विप्र किसको कहते हैं, ब्राह्मणों को लोग कहते हैं। जाति के ब्राह्मण तो मतलब ब्राह्मण होते हैं, उस कुल खानदान में जन्म लिए जो ब्राह्मण रहे, लेकिन सच्चे ब्राह्मण तो तब माने जाएंगे कि जब पूज्य हैं विप्र सकल गुण ही ना, और शूद्र पूज्य वेद प्रवीणा, जब सकल गुणों से हीन हो जाएंगे, सारे गुण उसके ये निकल जाएंगे, कौन से, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, यही परेशान करते हैं, यही आगे नहीं तरक्की होने देते हैं, चाहे भौतिक तरक्की हो इसमें भी बाधा डालते हैं, और आध्यात्मिक तरक्की में तो पूरे ही ये बाधक होते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण ये सब नष्ट करना पड़ता है। तब गुणातीत जब वो होता है तब उसको विप्र कहा जाता है। तो वेद पाठी, वेद में यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, वेद को जो पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं उनको जानकारी हो जाती है। वेद पाठी भवेत विप्रा, और ब्रह्म जानस सह ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अंदर में ब्रह्म का दर्शन करता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। तो अब जब संग ऐसा नहीं मिला कि इस चीज़ की जानकारी हो जाए, तो ये जितने भी वर्ण बनाए गए थे, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे शूद्र हों, ये जितने भी वर्ण बनाए गए थे, ये सब आप ये समझ लो कि अपने अपने धर्म से अलग हो गए, कर्म इनके खराब हो गए। देखो जब तकरीर नहीं मिली फकीरों की, असली चीज़ जब नहीं मिली, तब जिनको मुसल्लम, जिनको मुसलमान कहा गया,
जिनके अंदर मुसल्लम ईमान रहमान रहा करता था, जो रहमान को यानी समझो पाया करता था, रहमान का दीदार करता था, जो नूर रूह को नूर तक पहुंचाता था, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई। अब यानी समझो ईर्ष्या द्वेष बढ़ गया, अब समझो आपकी यानी तरह तरह के विकार उन लोगों के अंदर में आ गए जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, इस्लाम को उन्होंने छोड़ दिया, इस्लाम से वो अलग हो गए। तो साथ का असर ऐसा हो गया, साथ के असर से आदमी चोर बन जाता, डकैत बन जाता है, साथ के असर से आदमी की कीमत घट जाती है, साथ के असर से आदमी की कीमत बढ़ जाती है। साथ जब अच्छा पड़ा तब आप ये समझ लो कि गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ का साथ जब राम को पड़ा तो राम महापुरुष हो गए। पैदा हुए थे तो वो भी ऐसे ही थे, केवल राजकुमार राम थे, राजा दशरथ के यहाँ पुत्र हुए थे, चक्रवर्ती राजा थे, उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए थे, भगवान राम नहीं थे, लेकिन साथ उनका पड़ा। किसका? विश्वामित्र जी का। जंगल में यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे, 24 घंटा साथ रहते थे, तो उनका उनके ऊपर संस्कार पड़ा, संस्कार पड़ा तो ज्ञान उन्होंने लिया, साथ का असर हुआ। इसी तरह देखो संदीपनी गुरु थे कृष्ण भगवान के, संदीपनी के ही आश्रम पर यानी कृष्ण भगवान बहुत दिन तक रहे, जब तक ये भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। तो साथ का प्रेमियों असर होता है, कहते हैं ना कि कदली सीप भुजंग मुख, सात बूंद गुण तीन, और जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण दीन। अब इसका अर्थ समझा दें आपको। स्वाति एक नक्षत्र होता है, बारिश के महीने में स्वाति नक्षत्र आता है, पुनर्वसु अश्लेखा मघा ये सब नक्षत्र होते हैं, रेवती ये सब नक्षत्र होते हैं। तो आप ये समझो कि उस नक्षत्र में, स्वाति के नक्षत्र में बारिश कम होती है, लेकिन अगर हो जाती है और वो बूंद यानी केला पे पड़ जाता है, केला के फूल पर पंखुड़ियों के बीच में पड़ जाता है, तो वही यानी कपूर बन जाता है, उसी वही बूंद में खुशबू कपूर जैसी आने लगती है, कपूर जैसा हो जाता है, कपूर हो जाता है वो। और वही बूंद अगर समुद्र में जो सीप रहती है उसमें अगर पड़ जाए तो वही मोती बन जाता है। और सांप अगर मुँह किए हुए ऐसे बैठा है और वही बूंद सांप के मुँह में अगर पड़ जाए तो वही जहर हो जाता है, विष हो जाता है। बूंद एक गुण तीन, और जैसी संगत कीजिए, संग पड़ गया, किसका संग पड़ा? बूंद का, केले का, सीप का, सांप का संग पड़ गया, ऐसे ही गुण आ जाता है, ऐसे ही संस्कार बन जाते हैं। तो आप लोगों के संस्कार अच्छे थे कि आप यहाँ पर आए, खींच करके आप आए, कुछ ऐसे भी हो आने की हालत में नहीं थे, नहीं पहुँच सकते थे, निराशा हो रही थी, लेकिन तो भी आप यहाँ पर खींच करके आ गए, तो आपके संस्कार अच्छे हैं। तो आज नए दिन में ये सोचना चाहिए कि भाई अच्छे का ही साथ करना है, बुरों का साथ नहीं करेंगे, नहीं तो बुराई यानी किसी न किसी दिन उनकी आ जाएगी, उनके कर्म अपने ऊपर आ जाएंगे। कालिक की कोठरी में यानी केतो ही सयाने जाए, एक लेक लागी लागी ही लागी, लागहूँ ही लागहूँ कहा है। देखो कोई कोठरी है जिसमें कालिक लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है, तो काजल की पुताई कर दी जाए, काजल जानते हो सब लोग यानी वो ज्योति होती है यानी कप की, कभी भी वैसे आप काजल को बना सकते हो, लेकिन ये ज़्यादातर यानी माताएं कप बनाती हैं, ये बनाती हैं दीपावली के दिन, उस समय का मौसम गर्मी ठंडी का मौसम रहता है, उससे उसकी जो हवा होती है उसका जो असर होता है
उस कागज उस काजल में गुड़ पैदा करता है, यानी उसमें एक शक्ति लाता है कि जो आँखों की सफाई करे, आँखों की नसों को बल दे, ताकत दे, मजबूती लावे, इसलिए उस समय पर बनाया जाता है। तो अब वो काजल की पुताई कर दी जाए कमरे में और उसमें आपको कहा जाए उसमें रहो, तो कितनी भी सावधानी करोगे तो काजल की लीक तो लागे ही लागे, वो तो कहीं ना कहीं निशान बन ही जाएगा। इसीलिए कहा गया है अच्छे का साथ करना चाहिए, नहीं तो बुरे का साथ करोगे, बुराई की तरफ मन चला जाएगा और फिर बुराइयों में ही लिप्त हो जाओ। मन ये इस तरह अनिसमझो पिघलता है, इस तरह से अनिमुड़ता है कि एक थे राजा तपस्या करने लगे गए, चौथेपन में चले ही जाते थे लोग। चौथेपन, चौथापन किसको कहते हैं, उम्र का आखिरी जो साल रहता है, जैसे चार भागों में बांटा गया था उम्र को, तो चौथापन कब लगता था आप समझो कि जब आखिरी वर्ष रहते थे उसके, जैसे 100 साल की उम्र कलयुग में है तो 75 साल के बाद आखिरी वो रहता था उत्तरार्ध, उसमें लोग चले जाते थे। तो राजपाट सौंप करके राजा चला गया, तपस्या कर रहा था, खूब तपस्या किया, तो इंद्र घबराए, बोले कि हमारी जगह न ले लें। क्यों? क्योंकि ये कोई वंशानुगत नहीं होते हैं। वंशानुगत किसको कहते हैं कि बाप राजा है तो बेटा भी राजा होगा, वही होगा, उसी खानदान का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जगह होती है, ये राजा होते हैं और हट जाते हैं, जैसे अभी राजा होते हैं और हट जाते हैं। तो देखे कि भाई ये जब यहाँ आ जाएगा तो इसकी ताकत पावर ज़्यादा रहेगी, तो हमारा राज्य न चला जाए, तो बाधा डालते थे ये लोग। तो वो वेश बना करके शिकारी का राजा के पास गए, जो ऋषि हो गया था, और कहा महाराज हमारा ये तीर और धनुष आप रख लो, हम आ करके इसको ले जाएंगे। राजा ने कहा भाई तीर और धनुष से हमसे क्या मतलब है, हम तो बैरागी हो गए, साधु हो गए, ऋषि हो गए, हम तो सब पर दया करते हैं, महात्माओं का काम क्या होता है, ऋषि मुनि संतों का काम क्या होता है, दया करना, तो हमारा काम तो जीवों पर दया करना है, हमको तो रक्षा करना है, हमको तो तुमसे भी जीवों को बचाना है, और हमको तो तुमसे भी अपील करनी है कि भाई तुम भी हिंसा हत्या छोड़ दो, हिंसा हत्या करोगे पापी बन जाओगे, पाप की सजा तुमको भोगनी पड़ेगी। तो राजा ने यही जवाब दिया, बोला महाराज मैं इस वक्त पर बताने लायक नहीं हूँ, बहुत मुसीबत का मारा हूँ, ये धनुष मैं तीर लेकर जा नहीं सकता हूँ, आप तो महात्मा हो, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर, आपका काम यह है कि आप परमार्थ करो, मदद करो हमारी, आप लोग मदद नहीं करोगे तो दुनिया वाले क्या मदद करेंगे, महाराज कुछ ही समय के लिए मुझको इसको रखना है, आप रख लीजिए। बोले भाई ना, बोला महाराज आप क्यों नहीं रख रहे हो, बोले भाई मैं इस धनुष को चलाता रहा, ऐसे धनुष को मैंने खूब चलाया, खूब तीर छोड़ा, खूब हिंसा हत्या किया, जानवरों को मारा, आदमियों को मारा, पक्षियों को मारा, भाई मैं तो बड़ा दोषी हूँ, मेरे जब तक ये यानी समझो शाम यानी ये चमड़ी गल कल करके नहीं गिर जाएगी तब तक तो मैं उस पाप से उद्धार नहीं हो पाऊँगा, इसीलिए तो मैं तपस्या कर रहा हूँ, शरीर को जला रहा हूँ, तपा रहा हूँ, गला रहा हूँ, इसीलिए तो मैं इस काम में लगा हूँ कि प्रायश्चित हो जाए मेरा, मेरे पाप क्षमा हो जाए। तो भाई पाप छोड़ करके मैं आया हूँ तो अब फिर पापी नहीं बनना चाहता हूँ। बोले महाराज हम इसको आपके कुटिया के पीछे लटका देते हैं, इसको आप देखना मत, जब देखोगे नहीं तो आपको याद नहीं आएगा, न शिकार याद आएगा, न तीर धनुष याद आएगा, तो हम इसको वहीं लटका के जा रहे हैं महाराज, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कोई ले न जाए। और प्रणाम किया चला गया लटका करके वहीं।
अब राजा अपना जो ऋषि हो गए थे, ध्यान करें, भजन करें, जो भी क्रिया उनको आती थी उसको करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा समय जीवन का इसी काम में लगाते थे। लेकिन थोड़ा समय तो उनको अपने दैनिक कार्य के लिए, टट्टी मैदान, पेशाब नहाने धोने के लिए, भोजन करने के लिए निकालना ही पड़ता था। तो जब उधर पेशाब करने के लिए जाएं, तो नज़र पड़ ही जाए उस पर, नज़र पड़ जाए, तो कहाँ अब आपको इससे क्या मतलब है। मन को मनाने लगे और मना लिया। फिर एक दिन गए तो कहे, है तो बड़ा सुंदर धनुष है, लाओ देखा तो जाए। नज़दीक से गए, देखे किस चीज़ का बना है, तीर इसके भी बड़े ही यानी समझो कि नुकीले हैं, यानी निशाना इससे बहुत बढ़िया लगेगा। चलो हमको क्या मतलब इससे, हमने तो अब ये संकल्प ही बना लिया है कि हमको तो जीवों की रक्षा करनी है, हमको तो यानी तीर धनुष उठाना नहीं है हाथ में। फिर दो एक दिन बीता, चार दिन बीता, फिर उधर गए पेशाब करने के लिए, देखा लगा हुआ है। बोले भाई लाओ उठाएं, देखें, चला के तो देखें वजनी कितना है, चल पाएगा नहीं चल पाएगा। बस मन ने धोखा दिया और उठा ली। कहे हाँ बहुत बढ़िया है, ये हमको अगर उस समय मिला होता तो क्या कहना था। फिर बोले क्या मतलब है, हमको लटका दिए इसे, और बोले कुछ नहीं चले आए। फिर दो चार दिन बीता, फिर गए, बोले भाई उठा के तो देखा, नज़दीक से देखा, अब लाओ चला करके देखें। चलो पत्ते के ऊपर चलाते हैं, पत्ता अगर कट जाएगा गिर जाएगा तो क्या बात है, कोई पक्षी को हमको थोड़ो मारना है। तो पत्ता का जो यानी जहाँ से पत्ता निकलता है, जो डंठल होता है, वहीं पर मारा, ऐ फट से पत्ता गिर गया। कहा क्या बढ़िया निशाना लगता है, उस धनुष से तीर से क्या बढ़िया निशाना लगता है। दूसरे दिन फिर पत्ता मारे, कहे देखो ये ऊपर तक जाता है। तीसरे दिन फिर और ऊंचा पहाड़ पेड़ खोजा। अब वो जो भजन का समय, भक्ति का समय, साधना का समय था, उसमें वो पेड़ खोजने लगे, पत्ती खोजने लगे, और वो पत्तियों को गिराने लग गए। फिर एक दिन एक पक्षी बैठा हुआ था, बोले लाओ अब इस पर देखा निशाना लगा के मरा गिरा। ओ उसी दिन से राजा के ऊपर लगा पाप, यानी पक्षी मारने का पाप लगा, और वही राजा फिर पापी हो गया, फिर वही राजा शिकारी हो गया। तो मन ये इस तरह से धोखा देता है, ये तो गेंदे की तने से उछलता है, ये तो समझ लो जैसे चिकने घड़े के ऊपर बूंदें पड़ जाती हैं, तो उसका भरोसा नहीं रहता है कि कब ये बूंद यानी ऐसे नीचे ढिमल करके गिर जाएगी। ऐसे ही ये मन यानी अपना असर जताता है, ये नीचे गिर जाता है। आपको समझने की ज़रूरत है, इस तरह से ये डुबो देता है मन कि जैसे कागज़ के नाव में कोई बैठ गया हो और कभी भी पानी भर जाए उसमें और वो डूब जाए, ऐसे ये डूबाता है ये मन। पहले मन ऐसा नहीं था, आज की तरह से ऐसा नहीं था, सतयुग में सतयुग ही मन था, त्रेता में त्रेता, द्वापर वाला द्वापर मन था, द्वापर वाला मन था, द्वापर युग के असर वाला मन था, और कलयुग में ये कलयुगी मन हो गया है। ये समझो ऊपर में जब ये त्रिकुटी से लगा सूरज के साथ, जीवात्मा के साथ, तब ये इतना मलिन नहीं था, ये इतना भारी, ये इतना मोटा नहीं था, इसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, ये कमज़ोर था। नीचे जब उतरा, जब भी समझो ब्रह्मांड में आया, ब्रह्मांडी मन, ब्रह्मांड में ब्रह्मांडी मन था, अंडलोक में आया तो ये अंडी मन बना, और जब ये इधर पिंड में आया तो ये पिंडी मन बन गया। तो ये इंद्रियों के घाट पर बैठ करके ये रस ले करके मोटा तगड़ा हो गया, और जो प्रभु की अंश जीवात्मा है ये कमज़ोर पड़ गई, और ये उसी के कहने में ही यानी समझो कि एक तरह से पड़ गई, और इस जीवात्मा का मुँह नीचे की तरफ हो गया। ये अपने देश को भूल गई, अपने घर को भूल गई, अपने पिता परमेश्वर पति को भूल गई, ये सब कुछ उधर का भूल ही गई,
और बस ये जीवात्मा यहीं जन्मती और मरती रही, कितने करोड़ युग बीत गए और अभी तक अपने घर नहीं पहुंच पाई। प्रेमियों, मौका मिला है, अब की बार मौका मिला है। अम्मा के पेट में वादा करके पैदा हुए थे, सब लोग छोटे बच्चे थे, वो बचपना याद नहीं है। बहुत से लोगों को, कुछ लोगों को याद भी रहता है, लेकिन बहुत से लोगों को अपना बचपना याद नहीं है कि कब हम पैदा हुए, कैसे रोए थे, कैसे हम हमारी नाभि कटी थी, कैसे हमारी माँ ने दूध पिलाया था, किस तरह हमको लटाया बैठाया, टट्टी पेशाब कराया, यह याद नहीं रहता है। ऐसे गर्भ का वादा भी याद नहीं रहता है, माँ के पेट में जब थे वो वादा भी याद नहीं है। उस समय पर वादा किया था कि एक बार मौका दे दो, बाहर निकाल दो, हम बराबर भजन करेंगे, तो भेज दिया। लेकिन कैसे भेजा, नंगा भेजा, क्योंकि वहाँ तो कपड़ा है नहीं, वहाँ तो कोई जेवर गहना जंजीर अंगूठी कोई तो वहाँ है नहीं अंदर में, यह तो सब बाहर की चीज़ें हैं, इस शरीर के सजावट के लिए, इसको गर्मी ठंडी से बचाने के लिए इन चीज़ों को बनाया गया। तो अंदर में माँ के पेट में से जब निकला बच्चा तो नंगा निकला, कहते हैं नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओगे, ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे, कहते हैं ना क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। महात्मा कैसे कैसे समझाते हैं, कैसे कैसे समझाते हैं, किसी तरह से समझ में आ जाए। जैसे छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है, तब उसको पहले मास्टरनी लोग जो होती हैं, दाइयाँ जो होती हैं बड़े बड़े स्कूलों में, वो खेल खिलाती हैं, धीरे से उसको सब समझाती हैं, किस्सा कहानी सुनाती हैं, और फिर जब पढ़ने के लिए नहीं तैयार होता है तब एक बिस्कुट देती हैं। एक बिस्कुट देने के बाद कहती हैं अब वन बोलो, दो दिया तो टू बोलो, थ्री दिया तो तीन बोलो, इस तरह से गिनती सिखाती हैं। ऐसे ही जो जो महात्मा आए सब जीवों को इसी तरह से यानी खेल खेला करके और बातों को समझा करके, और जैसे यानी बच्चे को मास्टर यानी विद्या यानी भर करके और योग्य बना देता है, ऐसे ही किसी लायक बना दिया, अपने घर जाने लायक बना दिया संतों ने महात्माओं ने। इसीलिए इस भारत देश को धर्मपरायण देश कहा गया है, संतों की भूमि कही गई है। संतों की महिमा में यह भी कहा गया है कि यानी समझो कि संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अलोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार, अनंत जिसको कोई देख नहीं सकता है, अंत आदि यानी समझो वहीं से है और वहीं अंत है, वहाँ अंत समझो कि उसको कोई पहुँच नहीं सकता है, उसको महात्माओं ने लोगों को दिखा दिया है। यहाँ का शरीर का अंत दिखा दिया और ये शरीर में आत्मा जहाँ से आई यानी अनामी धाम से उसको भी दिखा दिया। तो प्रेमियों, वादा करके बच्चा तो आता है, आता तो नंगे है ऐसे देखने में, लेकिन लेकर आता है, लेकर जा तो नहीं सकता कोई, आखिरी वक्त पर कुछ नहीं लेकर जा सकता है, सब यहीं छोड़ करके जाता है। यही चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि हमको कोई चीज़ लेकर जाना नहीं है, यही चीज़ याद रखनी है कि मौत एक दिन आएगी आएगी, और मौत एक दिन जब आएगी तो ये सब छूट जाएगा, धन पुत्र परिवार सब छूट जाएंगे, कितना भी कोई बलशाली हो, कितना भी कोई पावर वाला हो, ऊंचे उहदे वाला हो, लेकिन वो बच नहीं पाएगा, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। जिसके आगे पीछे इस वक्त पर फोर्स चलती है, पुलिस चलती है, मिलिट्री चलती है, जिसके बॉडी की शरीर की रखवाली करती है, उसको भी कोई यहाँ के किसी भी पावर से, शक्ति से, यहाँ किसी भी मशीन से, किसी भी असलहे से बचा नहीं पाएगा। इसीलिए तो कहा गया
आस पास योद्धा खड़े सभी बजावें गाल, महल से हमको ले चलो ऐसे काल कराल। तो जब निकालेंगे तो उसी हालत में निकालेंगे जिस हालत में अनि समझो कि जीवात्मा माँ के पेट में डाली गई थी, उसी रास्ते से निकालेंगे। भैया जब डाली गई थी तब भी समझो कोई कपड़ा नहीं पहने हुए थी, कोई भी उसके ऊपर अनि इस तरह का खाल जैसे आप ये समझो कि अभी है इस शरीर में हड्डी मांस इस तरह ऐसा नहीं था जब डाली गई थी। वो तो अनि समझो जब अंदर गई माँ के पेट में 5 महीना 10 दिन में तब इसका विकास हुआ, तब ये बढ़ा, तब पिंड बढ़ा और फिर उसमें अंग निकले और फिर ये बाहर शरीर के रूप में आया और फिर यहाँ जब धरती पर चला बच्चा आसमान के नीचे रहा, हवा पानी का इस्तेमाल किया, भोजन का इस्तेमाल किया, तब ये शरीर बढ़ा पला पोषा, तब उसी तरह से ये शरीर मनुष्य का दिखाई पड़ने लग गया। समय के अनुसार उम्र भी बढ़ी, बच्चा से जवान हुआ, जवान से बुढ़ा हुआ और फिर आखिरी वक्त आ गया, सांसों की पूंजी खत्म हो गई, दुनिया संसार से चला गया। 10 दिन 12 दिन 13 दिन परिवार वाले भी रोए, रिश्तेदार भी आए शोक मनाए, उसके बाद सब भूल गए। तो कितने आए चले गए, कितने आए चले गए, ये जरूर रहा कि जो जो गए बहुरी नहीं आए, राजा रंक फकीर, कोई जात चढ़ पालकी, कोई बंधे जंजीर, कोई जीव जंजीर में बांध करके मार खाते हुए गया, कोई पालकी पर चढ़ करके अनि चला गया, विमान आ गया उसके लिए, विमान पर चढ़ करके चला गया, लेकिन जाना सबको पड़ा। तो लेकर तो नहीं जा सकता, लेकिन लेकर बच्चा आता है, क्या लेकर आता है, कौन से जेब में रख कर लाता है, कौन से अटैची बैग में लाता है, क्योंकि वहाँ से तो कोई लाता नहीं, ना कोई कपड़ा पहनता है, कपड़ा पहन कर आता रहे, सूट बूट पहन कर आता है, ना कोई सलवार कमीज पहन कर समीज पहन कर आता आते है, जीवात्मा जो आती है, जीव जो आता है, कोई लड़की पहन कर आती है, कोई साड़ी ब्लाउज और ये जो चलता है सब आजकल, ये कोई कपड़ा पहन कर आता है, कोई नहीं, सब नंगे। लेकिन लेकर आता है, क्या लेकर आता है, चाहे लड़की पैदा हो चाहे लड़का पैदा हो, लेकर आता है, क्या लेकर आता है, कहाँ लेकर आता है, मुट्ठी में लेकर आता है। क्या लेकर आता है, 4 पदार्थ कर तल ताके, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, यह लेकर आता है मनुष्य शरीर पाने का। अनि आप ये समझो कि यही अर्थ होता है कि भाई अनि धर्म को समझ करके और ऐसा काम करो कि इस आत्मा की मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। तो अर्थ का मतलब क्या होता है, धन कमाओ, रुपया पैसा लाओ, मार काट के ले आओ धन, इस तरह से अनि समझो कि हाथ से मार करके ले आओ। अर्थ का लोगों ने अनर्थ कर दिया। कारण क्या रहा कि लिखा तो ग्रंथों को, लिखा धार्मिक पुस्तकों को महात्माओं ने संतों ने और पढ़ा किसने, अनि जो अनि असंत थे, जो जिनके अंदर बुराइयां गंदगियां भरी हुई, उन लोगों ने उसको पढ़ा तो उसको अर्थ कैसे समझ पाएंगे। कोई अगर सूरज को देखना चाहे तो सूरज सफ़ेद दिखाई पड़ता है, और काले रंग का चश्मा नीले रंग का चश्मा लगा ले तब सफ़ेद दिखेगा, काला ही दिखेगा। तो जो कर्मों के पर्दे आ गए उससे अर्थ लोगों ने इसका अलग कर दिया। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार
परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।